तो चलिए बात करते हैं राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। तुला राशि वालों, आपका आज का दिन व्यस्तता में बीत सकता है। आपके अच्छे आर्थिक हालात आज थोड़े कमजोर होते नजर आ सकते हैं। कोई पुराने लेन देन के मामलों में आज गड़बड़ी होने के कारण आपकी टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ सकती है, इसलिए इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें और इस टेंशन से, इस गड़बड़ी से निजात पाने के लिए अपने जीवन साथी का सहयोग लें। उनका सहयोग प्राप्त भी होगा आपको और समस्या का निदान भी होगा। सलाह आपको ये दी जाती है कि फालतू विवादों से आप दूर रहने की कोशिश करें और विवादों में पड़ने से हल नहीं निकलेगा, इसका हासिल कुछ नहीं होगा, इसलिए मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करें। आज एक जरूर काम करें कि बहते जल में थोड़े से तिल प्रवाहित कर दें, परिस्थितियां आपके अनुकूल बन सकती हैं और दिन आपके फेवर में आ सकता है। आपके लिए सलाह जरूरी है कि प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाएं, जिससे क्या होगा कि प्रभावशाली लोगों का जो सहयोग होगा वो आपके उत्साह को दोगुना कर देगा और मुसीबतों में आपका साथ देगा। ट्रेवल के लिहाज से आज की गई जो यात्राएं हैं आपको थकान दे सकती हैं और तनाव दे सकती हैं, लेकिन ये यात्राएं फाइनेंशियली मैटर्स के बिहाफ पर बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं। जितना आपने सोचा है आपके दोस्त उससे ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं आज। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं तो नया प्रेम संबंध बनाने की संभावना आज अच्छी बन सकती है उन लोगों के लिए भी जो नए रिलेशनशिप में अभी नहीं आए हैं, और जो रिलेशनशिप में नए नए आए हैं उनका आज दिन बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियों को उजागर करने से बचें, कोशिश करें कि अपना पास्ट डिस्कस ना करें। ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है। रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा है। आज आपको ये जरूर महसूस होगा कि आप अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए अपने दिन की योजना को बनाने का प्रयास करें और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करें और अपनी डे शेड्यूल को बेहतर तरीके से सुनियोजित करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके शुभाशुभ की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व और शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक का। और उपाय के तौर पर संध्या के समय गणपति की पीत कपूर चंदन जलाकर आरती करें।